Special question on World Water Day. मेरी आंखों में सदा ख्वाबों का गुलदस्ता रहा, मेरी आंखों में सदा हर तरफ फूल महकते हैं बाहर आइए। जिलाधर क्या गाइस, फेलो कोलीग्स एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स, प्रोमिनेंट सिटीजंस एंड अदर I, Executive Engineer, PhD Vision Paul, on the auspicious occasion of Birds Water Day today on 22nd of March 2021. आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी ओर से सबको आदाब। वेदास में ऐसा वर्ण है कि जब परमपिता परमात्मा उस अल्लाह ताला उस भाई गुरु ने कायनात बनाई, सिर्फ इच्छा मात्र से बनाई, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हुई जिसमें हमारा ब्रह्मांड भी शामिल है। इसमें प्राण अर्थ को लाइफ के लिए चुना गया। पानी की अहमियत को जुआनों ने पहचाना और इसके बेहतर रखरखाव संरक्षण, सबको पीने का साफ पानी मिले। एज वाटर 97% ऑफ खारा पानी ओनली फॉर ड्रिंकिंग। आउट ऑफ दिस 2% इज इन ग्लेशियर्स इन द फॉर्म ऑफ नेशनल प्रोग्राम, जिसे IWMP भी कहा जाता है और किसी दौर में इसको हरियाली प्रोजेक्ट भी कहा जाता था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया। और ये इस हिसाब से जितनी चीजें चाहिए थी वो सब बना दी, जितने दरख्त चाहिए थे वो बनाए, लेकिन उससे पहले परिंदे, जानवर, बाकी चीजें बनाई और परिंदों और जानवरों की जरूरत जितनी थी उसके लिए उतने। पानी की किल्लत घटती जा रही है जबकि पानी उतने का उतना ही है। एटमॉस्फेरिक स्पेस से पानी कहीं बाहर गया नहीं, तो क्या क्या कारण हो गया? क्या हम लोगों ने, जब से हम इवॉल्व होके आ रहे हैं, तो क्या हमने काम किए कि जिससे पानी की किल्लत होना शुरू हो गई? वाटर स्कर्सिटी जो है ये हक है और फर्ज है कि पानी की एक एक बूंद को बचाया जाए और अपना फर्ज निभाया जाए। मुझे भी सीखने को मिला है, हमारे अधिकारियों को भी सीखने को मिला है कि जल शक्ति के प्रति आज इंटरनेशनल वाटर डे आज को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। इस अवसर पर आज एक ऐसे अभियान का शुरुआत हो रही है जिसको मैंने मेरे मन की बात में, लेकिन आज दुनिया के सामने एक उदाहरण मिले इसलिए कैच द रेन, कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अटल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उसे साकार करने के लिए आज समझौता जी। ईओ म्युनिसिपैलिटी ऑपरेटर है जनाब सनी शर्मा साहब, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर मुश्ताक हुसैन सर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर शकील अहमद वही आ जाए तो लोग उदासी के बुआ, ऑफिसर अरविंद बिरोज साहब एग्रोनिम, मैं XCN PhD आप डॉक्टर बशारत हुसैन डे है, पूरी दुनिया आज के दिन को मना रही है 22 मार्च। पानी का संरक्षण कैसे करना है, जो अवेलेबल वाटर है उसको कैसे बचाना है, उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे हो, उसका कंजम्पटिव यूज़ कैसे हो, साफ सफाई कैसे रखनी है, माहौल को कैसे साफ रखना है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग से या जो इकोनॉमिक फ्लड कई जगहों में हो रहे हैं, कई जगहों पर ड्रॉट्स हो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ है हमारे यहाँ पुंछ में भी, जैसे बाकी हिंदुस्तान में मनाया गया वैसे यहाँ भी हुआ है। यहाँ की जो सदारत है यहाँ की DDC चेयरपर्सन ने की है और DDC पुंछ भी जहाँ थे, बाकी मेम्बरान भी आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के और PR इंस्टीट्यूशंस के, काफ़ी अच्छी गैदरिंग रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आज दुनिया भर में ये जो वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जा रहा है,
हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने देखा, हमारे इस संघराज्य क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को भी देखा। आज पूरे देश में अलग अलग जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं वाटर की अहमियत को लेके, तो हमने भी जिला पुंछ में एक प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे DDC के चेयरपर्सन मैडम चीफ गेस्ट थे। हमने वाटर की अहमियत को लिए को लेकर और आने वाले समय में वाटर को कैसे सेव करना है उसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। जिला के अलग अलग ब्लॉकों में जो प्रोग्राम जो चल रहा है वहाँ हमने BDC को बुलाया है, BDC के चेयरपर्सन को जो है वहाँ हमने चीफ गेस्ट रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि अगर वाटर को बचाना है तो आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आगे लाना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस पर काम करना है, उनके बिना ये काम नहीं हो सकता है। तो हम उनके साथ मिलकर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इसको जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का वाटर को सेव करने का, अपने ज़िले में जो है हर संभव कोशिश करेंगे ताकि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और वाटर को सेव करने में कामयाब रह जाएँ।